हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम वर्मीसिली की रेसिपी बना रहे हैं। इसके लिए मैंने एक पतीला लिया है, उसमें पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, और इसमें मैं ये वर्मीसिली यूज़ कर रही हूँ बेम्बिनो की। पानी बॉईल होते ही मैं 1 कटोरी इसमें वर्मीसिली ऐड कर दूँगी। ऐड करते ही 1 बॉईल होने के बाद हम गैस को सिम पे कर देंगे और वर्मीसिली को एक बार चला लेंगे। और इसको हमने बार बार चलाते रहना है क्योंकि ये बहुत जल्दी वर्मीसीली बॉईल हो जाती है। ये देखिए मेरी वर्मीसीली बॉईल हो गई है। अब इसको हम स्टेनर की हेल्प से इसको स्टेन कर लेंगे, और थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है ताकि ये स्टिक ना हो एक दूसरे के साथ। और मैंने अच्छे से इसको चला भी लिया है। अब इसके बाद मैंने 1 अनियन लिया है, थोड़ी सी कैप्सिकम ली है एंड थोड़ी सी ही कैरेट ली है। अब मैंने एक पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है, और साथ ही साथ ऑयल गरम होने के बाद हम इसमें राई यूज़ करेंगे वर्मीसिली के लिए। जैसे ही राई पॉप अप होएगी हम साथ में इसके 1 अनियन ऐड कर लेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन रखना है। अच्छे से हम सॉटे करेंगे इसको। सॉटे होने के बाद अब हम इसमें कैरेट और अपनी कैप्सिकम डालेंगे। इसको भी अच्छे से स्टर फ्राई कर लेंगे, हमने ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। इसको स्टर फ्राई होने के बाद ये देखिए हमारी वेजिटेबल स्टर फ्राई हो गई है। अब इसके बाद हम सॉल्ट और ब्लैक पेपर यूज़ करेंगे। सॉल्ट मैंने 1/4 यूज़ किया है, ब्लैक पेपर भी 1/4 यूज़ किया है, और थोड़ा सा मैंने मैगी मसाला भी यूज़ किया है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है वर्मीसिली का। इसके बाद हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम इसमें वर्मीसिली डाली है और मैंने इसको अच्छे से चलाया है, अच्छे से स्टर किया है। आप इसमें इस टाइम सॉल्ट टेस्ट कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सा इसमें वर्मीसिली में सॉल्ट कम था, मैंने ऊपर से डाला है और थोड़ा सा साथ में वाटर भी डाला है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हमारी वर्मीसिली रेडी हो गई है। आप इसको ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक में खा सकते हैं, बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। थैंक यू।